हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शॉर्टेड। सो गाइस आज हम करने वाले हैं कुछ स्टेप की एडिटिंग, तो इसलिए गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप इसमें जो कोई भी पार्ट मिस ना कर पाओ। ठीक है गाइस, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। सो गाइस इस बैकग्राउंड और मैंने सिर्फ यहाँ पर जो स्मोक वाला पीएनजी यूज किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये गाइस इसके बाद आपको अपने फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो गाइस मैंने देखिए यहाँ पे मॉडल का जो फोटो है ना गाइस, उसका बैकग्राउंड पहले से इरेज करके रखा है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर आपको तो पता ही है गाइस बैकग्राउंड को कैसे इरेज करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप, मैंने पहले भी एक वीडियो बना के रखी है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देन गाइस अभी देखिए एडजस्ट करने के बाद हम कर लेंगे यहाँ से डन। अभी देखिए गाइस हम जो हमारे मॉडल का जो जैकेट है ना गाइस इसे ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, क्योंकि गाइस हमें जो हमारे मॉडल के फोटो को बैकग्राउंड से मैच कराना है। इसके लिए गाइस आपको यहाँ से एफएक्स में आ जाना है, देन गाइस आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना गाइस एफएक्स, तो उस पर क्लिक कर लेना है। और गाइस यहाँ से आपको ब्लैक एंड व्हाइट जो ऑप्शन है ना गाइस इफेक्ट, तो उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन गाइस आपको इरेजर पर क्लिक कर लेना है। और गाइस यहाँ से पहले तो हम इन्वर्ट कर लेंगे। और गाइस जो यहाँ पे जो आपको जैकेट है ना गाइस, अगर आपका भी कोई ड्रेस है तो उसको भी आप ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ ना गाइस, आपको इसी तरह से पूरे के पूरे जैकेट के ऊपर जो आपको अप्लाई कर लेना है। तो देखिए गाइस आपको भी कुछ इसी तरह से जो है इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है। ठीक है गाइस, तो अभी देखिए हमने यहाँ पे इफेक्ट को अप्लाई कर लिया है, जिनका भी कर लेंगे हम यहाँ से डन। तो अभी देखिए गाइस हमारा तो इतना तो काम तो हो गया है, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ से आ जाएंगे ऐड फोटो पे। और गाइस एक स्मोक वाला पीएनजी जो मैंने बताया था गाइस, तो उसे आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। तो अभी देखिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो अभी देखिए गाइस हमारे बैकग्राउंड में तो स्मोक वाला स्मोक तो है ही, और आपको अभी क्या करना है, आपको आगे की तरफ से इसे ऐड कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो गाइस आपको डुप्लीकेट वाला ऑप्शन जो है सिर्फ पिक्सआर्ट के गोल्ड वर्जन में मिलेगा गाइस। अगर आप उसे भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में जो एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो वो आप देख के डाउनलोड कर सकते हैं गाइस पिक्सआर्ट के गोल्ड वर्जन को फ्री में, जैसे कि मैंने डाउनलोड किया था। मैं यहाँ पे जो पिक्सआर्ट का गोल्ड वर्जन यूज कर रहा हूँ गाइस, देन गाइस अभी हम कर लेंगे यहाँ से डन। तो अभी देखिए गाइस हम हमारे फेस पे जो है एकदम मतलब शाइन वाला इफेक्ट लेंगे, डॉट जेन बर्न वाला। इसके लिए गाइस आपको यहाँ पे टूल पे आकर गाइस एडजस्ट पे क्लिक कर लेना है। और गाइस ब्राइटनेस को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, देन इरेजर पे क्लिक करके गाइस इन्वर्ट कर लेना है। और अभी देखिए गाइस जो ब्रश है ना गाइस उसकी साइज थोड़ा सा कम कर लेना है। और गाइस आपको यहाँ पे अपने फेस के ऊपर जो इसे अप्लाई कर लेना है कुछ इस टाइप से। तो गाइस मैंने जो है अपने ज़्यादातर वीडियोज में इसी को अप्लाई किया, क्योंकि गाइस इससे हमारे फेस में जो एकदम थोड़ी सी अलग भी शाइन आती है गाइस। तो आपको हर एक जो कभी आप एडिटिंग करें तो आपको इस इफेक्ट को यूज़ करना ही है गाइस। तो अभी देखिए गाइस आपको फर्क दिख रहा होगा, तो अभी मैं यहाँ पे अराउंड 5-6 के आसपास रख लेता हूँ, देन कर लेंगे अब यहाँ से डन। तो देन गाइस अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आ जाना है ड्रॉ टूल्स में, थ्री डॉट्स पर क्लिक करके गाइस अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। सो गाइस अभी आपको इसी फोटो को ओपन कर लेना है अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, इस ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। और गाइस इसे एक्सपोजर को जो है ना गाइस थोड़ा सा बढ़ा लेना है, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। देन गाइस अभी आपको यहाँ से जो हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम कर लेना है। देन गाइस शेडोज की बारी आई, तो अभी शेडोज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। और गाइस व्हाइट्स को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है, तो ब्लैक्स को तो हमें कुछ भी नहीं करना है।
देन गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, इसके नीचे वाले ऑप्शन पे। देन गाइस सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लेना है अराउंड 9 के आसपास। देन गाइस आपको यहाँ पे मिक्स वाले ऑप्शन पे आकर गाइस जो रेड कलर की ह्यू है ना गाइस उसे थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तभी गाइस आपको एक्वा कलर पे आ जाना है। और गाइस लास्ट के जो चार है ना गाइस एक्वा से लेकर नेवी ब्लू, पर्पल और पिंक, इन सबके जो सैचुरेशन है ना गाइस इनको -100 कर लेना है। ठीक है, देन गाइस अभी कर लेंगे हम यहाँ से डन। तो देखिए गाइस अभी हमारी एडिटिंग भी जो है लाइट रूम में भी हो गई है। तभी देखिए पहले हमारे फोटो कुछ स्टेप्स थी लाइट रूम की एडिटिंग से पहले, अभी देखिए कुछ स्टेप्स हो गए। सो गाइस अभी आपको क्या करना है, हमने फोटो को जो सेव कर लेना है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी गाइस सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसी और इससे भी मजेदार वीडियो मिलती रहे।